लुक एट दिस यार, कहाँ मिलता है इतने कम पैसों में इतना अच्छा आउटफिट। हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज सिमरन। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मिंत्रा हॉल। बहुत दिन हो गए मैं मिंत्रा का हॉल नहीं किया एंड यू गाइस जस्ट लव माय मिंत्रा हॉल्स। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अनारकली कुर्ता का मिंत्रा हॉल किया जाए इन अफोर्डेबल प्राइस। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज वीडियो बिकॉज ये सारे ही जितने मैं कुर्ते आपको दिखाने वाली हूँ ऑल आर गोइंग टू बी अफोर्डेबल। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज वीडियो नाउ। अच्छा, ये जो लुक मैंने कैरी किया हुआ ना, ये आज मैंने क्रिएट किया था, ऐसा नहीं था। ये मैंने प्रॉपर साउथ इंडियन ब्राइड वाला लुक क्रिएट किया था। तो आप जाके मेरा शॉर्ट या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे रील चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद ऑल ऑफ दीज कुर्तीज़। मैंने अभी तक एक भी खोल कर नहीं देखी है और इनमें एक आध अनारकली कुर्ता सेट्स भी है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। चलो जल्दी से ओपन करते हैं और ट्राई करके देखते हैं कि लक कैसे रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन और इसको ज़रा खोल कर देखते हैं पहले ये है कैसा। बिकॉज कुछ चीज़ें जो मैंने ऑर्डर की थी तो मैं भूल गई मैंने क्या क्या कैसे कैसे ऑर्डर किया है। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी एन अनारकली एंड द ब्रांड इज शे बाय ससफराज। तो अगर आप कुछ डिज़ाइनर ढूंढ रहे हो इन कम रेंज एंड ठीक ठाक क्वालिटी में, ट्राई शे बाय ससफराज, क्योंकि ये लोग बहुत ही सही डिज़ाइंस देते हैं इतने कम प्राइस में। तो ये आएगा हमारा बहुत ही खूबसूरत सा एक अनारकली कुर्ता एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट। इसका जो स्लीव पैटर्न है उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, स्पेशली आई लव द नेक, फ्रंट में भी बैक में भी। मुझे अभी तो बहुत बढ़िया लग रही है, फिटिंग तो इसकी पहनकर ही पता चलेगी। बट अगर मैं इसके कपड़े की बात करूँ, दिस इज़ इन सिल्क टच एंड दिस इट हैज़ दिस स्ट्रक्चर्ड फैब्रिक थोड़ा सा, जो कि बहुत सही लग रहा है। एंड मुझे इसके नेक का पैटर्न भी अच्छा लग रहा है। बाकी इसमें यहाँ पर कलियाँ आएंगी नीचे की तरफ इस तरीके से और अंदर इसमें अस्तर दिया गया है। इसके प्रिंट की बात करूँ तो काफ़ी ट्रॉपिकल फ्लोरल जैसी वाइब दे रहा है। लेट्स ट्राई दिस आउट, फिर देखेंगे कि ये एक्चुअल है कैसा। तो अनारकली का लुक कुछ ऐसा आया और मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। आई मीन दिस इज सो परफेक्ट फॉर हेल्दी मेहंदीज फंक्शन, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा है। आप चाहो इसके अंदर एक कैन स्कर्ट भी ऐड कर सकते हो, कम कैन वाली, तो ये बहुत प्रिटी लुक देगा। लुक हाउ प्रिंसेस वाली वाइब दिस इज गिविंग, आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दिस। पीछे से भी ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें जो लटकन दिख रही बहुत क्यूट है। एंड लेट्स एक्सेसराइज इट। आप चाहो तो यहाँ पे दुपट्टा ले लो और हैवी इयररिंग्स ले लो, बट मैं अलग तरीके से स्टाइल करूँगी। मैं इसको एज अ गाउन वेयर कर रही हूँ एंड आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल चोकर विद इट। तो ये मैंने प्रिटी सा नेकलेस ऐड कर लिया, इसके साथ इयररिंग्स भी आए थे एंड हाथ में एक इस तरीके से ब्रेसलेट टाइप कड़ा पहन लिया ना। आई एम लविंग दिस लुक, आई एम टोटली लविंग दिस। ये डेफिनेटली वर्थ इट है इसके प्राइस के हिसाब से। मतलब इतने कम पैसों में अगर आप कपड़ा लेके भी सिलवाने इस तरीके का कट जाओगे तो नहीं पड़ेगा उतना, मतलब बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, बट दिस इज टोटली टोटली वर्थ इट। आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है एंड इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। अनदर कुर्ता दैट वी आर गोइंग टू स्टाइल इज दिस येलो कलर वन। येलो नहीं, बेसिकली मस्टर्ड कलर का है। लेट्स ओपन इट। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम ब्रांड शे बाय ससफराज। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ इस ब्रांड से, बट लुक एट दिस यार, कहाँ मिलता है इतने कम पैसों में इतना अच्छा आउटफिट। तो ये आएगा इसका जो मस्टर्ड कलर का अनारकली मैंने ऑर्डर किया है, इट्स अ फुल स्लीव अनारकली। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि फुल स्लीव से तो मुझे अलग ही ऑब्सेशन है। तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसमें यहाँ पर इस तरीके से गोटा पट्टी आई है एंड पीछे इसमें चेन दी गई है। इट हैज़ ब्यूटिफुल फाइन नेक लाइन जो कि बहुत अच्छी लग रही है। नीचे भी इसमें आपको इस तरीके से कलियाँ मिलेंगी। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैं इसके साथ कोई दुपट्टा पेयर करूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो ट्राई करके आती हूँ। तो ये कुर्ता कुछ ऐसा लग रहा है एंड उसमें हल्की सी फ्लावर थी, बट ये यहाँ से काफ़ी स्ट्रेट आ रहा है। तो इसके नीचे कैन स्कर्ट पहनना तो बनता है, तो मैं अभी वही पहनने वाली हूँ एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद दिस बिकॉज घेरा काफ़ी अच्छा है, इसमें स्लीव्स भी बहुत अच्छी आई हैं। एंड आप चाहो तो इसे हल्का सा फिट करवा सकते हो साइड से, स्पेशली स्लीव्स वाला सेक्शन, तो ये और ज़्यादा उभर कर आएगा जब फिटिंग अच्छी हो जाएगी। तो मैं अपनी कैन वाली स्कर्ट पहन रही हूँ इसके नीचे। तो स्कर्ट मैंने पहन ली है, 3, 2, 1 बूम। Look at this. I mean, this is looking so perfect. देखा, सस्ते में भी हम बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि बस करेक्ट जुगाड़ होना ज़रूरी है। फॉर द ज्वेलरी आई ऑप्टेड फॉर दीज ब्यूटिफुल इयरिंग्स दैट आई हैव, ये कुंदन वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड जब मुझे लगता है कि कुछ बहुत एलिगेंट पहन रही हूँ तो ये उसके साथ डेफिनेटली चले जाते हैं, यही पहन लेते हैं। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक अ दुपट्टा विद इट। आप अगर चाहो तो यहाँ पे दुपट्टे की जगह पे सिर्फ कोई एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट भी ले सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया लगेगी, बट आई जस्ट थॉट ऑफ वेयरिंग अ दुपट्टा। तो एज यूजुअल मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन पर्पल दुपट्टा, ये मैंने बहुत ही सुंदर सा बांधनी जॉर्जेट का दुपट्टा ले लिया है एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से आप कोई भी और कलर का दुपट्टा इसके साथ पेयर करिए, कैन वाला स्कर्ट पहनिए एंड आपका एक
एलिगेंट रॉयल लुकिंग क्लासी डिजाइनर गाउन रेडी है इन सच चीप प्राइस. इसमें तो ट्वर्ल करने में भी बहुत मजा आ रहा है और ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है. सो अगर आप किसी वेडिंग में पहनना चाहते हैं तो भी पहन सकते हैं. आपके मतलब बहन की हल्दी है या फिर भाई की हल्दी है, सो भी आप कुछ डिफरेंट सा लुक क्रिएट करना चाहते हैं, गो फॉर दिस वन. यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू फेल इन लव विद दिस. इसको और ज़्यादा हैवी लुक देने के लिए आप बालों में कुछ एक्सेसरीज लगवा सकते हो, कुछ डिफरेंट सा हेयर स्टाइल बनवा सकते हो, सिंपल कर्ल्स वाला या फिर ओपन हेयर भी अच्छे लगेंगे. एंड एक सिंपल सा नेकलेस पहनो विद इयररिंग्स, वो भी बहुत प्यारा लगेगा. तो ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे स्टाइल करोगे, बट दिस इज एब्सोल्युटली. तो चलो अब ट्राई करते हैं कलरफुल वाला कुर्ता सेट. एंड ये तो सेट ही है, मुझे पता है क्योंकि मैंने ये सेट ही ऑर्डर किया था एंड दिस वॉज क्वाइट अफोर्डेबल. तो मैं श्योर नहीं हूँ उस क्वालिटी के बारे में. दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ दिस कुर्ता. सबसे पहले इसमें आया है ये एक ऑर्गेन्जा का दुपट्टा जिसका लेंथ मुझे थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा कम, काफ़ी कम है इनफैक्ट इसका लेंथ. एंड अब हम बात करेंगे इसके कुर्ते की. सो इसमें पैंट नहीं आया, जस्ट द दुपट्टा एंड द कुर्ता. तो जी इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है इसकी लटकन. इतना डिज़ाइनर फ्रिल वाला लटकन दिया है ना, एकदम कलरफुल. एंड दिस इज़ ऑल्सो परफेक्ट फॉर हल्दी, नहीं स्पेशली मेहंदी, नहीं हल्दी के लिए ही अच्छा रहेगा. एंड इसमें स्लीव्स कुछ इस टाइप के आए हैं. आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिटिंग ऑफ दिस, अभी मुझे बहुत डाउट हो रहा है इस पर, बट चलो मैं पहन के देखती हूँ, क्या पता हम इसे भी अच्छे से एक्सरसाइज कर लें. तो ये आएगा हमारा नेक्स्ट कुर्ता सेट. अब मैं इसके दुपट्टे की बात करूँ, अगर तुम इसको आगे लोगे तो ये पीछे छोटा पड़ जाएगा और पीछे लोगे तो ये आगे छोटा पड़ जाएगा. सो दिस दुपट्टा इज़ अ बिग नो. कुर्ते की बात करूँ तो फिटिंग बहुत अमेजिंग वाली नहीं है, मतलब बस नाम मात्र के लिए इसको बना दिया गया है. इसमें सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी है, वो है इसकी फ्रिल्स. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग नो, बट सरप्राइजिंगली इसका लेंथ पूरा आया है. सो अगर आपको एक बार पहनने के लिए चाहिए एंड इफ यू आर लिटिल शॉर्ट तो आप ये ट्राई कर सकते हो, बाकी मुझे कोई खास पसंद नहीं आया. नेक्स्ट कुर्ता दैट वी आर गोइंग टू ट्राई इज दिस रियली ब्यूटिफुल पर्पल कलर वन, और इसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. बट अब इसको ट्राई करने के बाद मुझे डर लग रहा है इसको चेक करने में भी, बट एनी वेज वील ट्राई दिस आउट, लेट्स सी कि ये कैसा है. तो ये एक सिर्फ कुर्ता है, दिस इज़ नॉट अ सेट. इसमें फुल स्लीव्स आए हैं जॉर्जेट के एंड इसमें नेक पे इस तरीके से ये गोटापट्टी लगा कर दी है, बैक में एक टाई दिया गया है एंड द ब्रांड इज़ ब्लैक सीजर. मैंने पहली बार ट्राई कर रही हूँ इसको, मीडियम साइज़ में है और ये भी एक फुल लेंथ अनारकली लग रहा है. चलो ट्राई करके देखते हैं ये कैसा लगता है. अगर ये अच्छा लगा तो फिर, बट मुझे लगता है इसकी लेंथ और ज़्यादा छोटी आएगी इस वाले से भी. चलो पहन के देखते हैं. ओवरऑल इसका लुक अच्छा आया है, लेकिन इज जस्ट दैट कि मैंने इसको मीडियम साइज़ में ऑर्डर किया. आई शुड हैव ऑर्डर्ड इन द स्मॉल, तो ये फिट आता है एकदम, भी काफ़ी लूज है मुझे एंड बैक से कुछ ऐसा लग रहा है एंड इसका लेंथ थोड़ा सा ऊपर आता है. इट्स नॉट अ फुल लेंथ अनारकली, बट ये कलर वगैरह सब बढ़िया लग रहा है. आई थिंक हम इसमें एक बेल्ट लगा के इसको थोड़ा बेटर लुक दे सकते हैं. तो बेल्ट लगा के ये थोड़ा बेटर, अभी इसमें वो जो फिटिंग है थोड़ी सही लग रही है, बट आई एम नॉट लाइक क्वाइट सेटिस्फाइड. सो ये वाला कुर्ता मुझे कंपेरेटिवली पसंद आया. आप इसका कोई दुपट्टा भी ले सकते हो, जब इसमें ये बेल्ट नहीं होगी ना, आई मीन ये आपकी फिटिंग का होगा, इसके साथ आप कोई दुपट्टा लोगे तो ये बहुत उभर कर आएगा, बहुत सुंदर लगेगा. तो मैंने जस्ट अभी अभी देखा इसके साथ एक दुपट्टा भी आया है, मतलब मैंने ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल भी. और इसके दुपट्टे में इस तरीके से लेस दी गई है नीचे की तरफ, बाकी ये एकदम प्लेन है और साइज में इसमें गोटा है. ये दुपट्टे का लेंथ ठीक आया है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है एंड ये देखने में भी अच्छा लग रहा है. सो दिस इज़ समथिंग यू कैन ट्राई. अगर आप इसे अपने राइट साइज़ में खरीदेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा. नेक्स्ट सेट आई एम गोइंग टू ट्राई इज़ दिस ब्यूटिफुल ब्रोकेड वन. ब्रोकेड का कुर्ता मुझे कब से चाहिए था एंड हमेशा क्लासी लगते हैं ब्रोकेड के जो कुर्ताज होते हैं एंड दे आर माई फेवरेट ऑल्सो. आई वॉट दिस अगेन फ्रॉम शेयर बाय सस्फराज. मतलब मैं जितनी चीज़ें मैंने आज तक शेयर बाय सस्फराज से खरीदी है सारी मेरी फेवरेट रही हैं, क्योंकि इनका फैब्रिक डिज़ाइन वगैरह, फिटिंग वगैरह सब बढ़िया आता है मेरी चॉइस के हिसाब से. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ फुल स्लीव अनारकली और लुक एट दिस. आई मीन ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, लुक एट द ब्यूटिफुल कलर एंड एवरी थिंग. लेट्स ट्राई दिस आउट. और इसको पहनने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. कपड़ा बहुत सही है इसका, अंदर भी इसमें कलियाँ हैं यहाँ पर और अंदर की तरफ इसमें अस्तर भी दिया गया है. तो ये आएगा हमारा लास्ट कुर्ता एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स. इसमें आप डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन का दुपट्टा ले सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा. चाहो तो यहाँ पर कैन भी ऐड कर सकते हो फॉर दैट एक्स्ट्रा हैवी लुक. इयररिंग्स इसमें मैं ले रही हूँ ये येलो कलर के, क्योंकि मैं इसे एक हल्दी लुक क्रिएट कर रही हूँ. सो मैंने यहाँ पे ये येलो मैचिंग दुपट्टा ले लिया. आप जो भी दुपट्टा चाहो ले सकते हो, नेट काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है ब्रोकेड को, तो इसलिए मैंने लिया. एंड अच्छा बैलेंस भी बनाता है, क्योंकि अगर आप इस पर सिल्क हैवी लोगे तो वो बहुत मिला जुला लुक हो जाता है. नेट एक उसमें एक शीक लुक ऐड करता है, तो इसलिए आप इसमें नेट का कोई भी दुपट्टा ले सकते हो, एनी कलर विच एवर यू लाइक.
सो दैट्स द फाइनल लुक ऑफ द कुर्ता एंड ये डेफिनेटली आप किसी भी हल्दी फंक्शन में आराम से कैरी कर सकते हो. तो इसमें आप कुछ हेयर डू में भी थोड़ा खिलवाड़ कर सकते हो, खोल के कर्ल्स लेके बहुत अच्छा लगेगा. छोटा बहुत नेकलेस भी पहन सकते हो, बट मैंने क्योंकि बहुत हैवी इयररिंग्स पहने तो मैंने यहाँ पे नेकलेस को डिच कर दिया. सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट कुर्ता एंड इट्स अ ब्यूटिफुल रेड. ऑब्वियसली अनारकली और रेड ना आए तो मज़ा नहीं आता. आई हैव द सेम कुर्ता इन द कलर पिंक और वो मैंने जनासिया से लिया था. ये मैंने दूसरे ब्रांड से लिया, दिस फ्रॉम द ब्रांड MBE और ये एकदम फुल स्लीव्स चूड़ीदार वाला आता है. इसका जो कपड़ा है दैट इज ऑल्सो वेरी सॉफ्ट. ये स्विस जॉर्जेट कहते हैं आई थिंक इसको और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है. लेट्स ट्राई दिस आउट और इसको हम एक्सेसराइज करेंगे और ये बहुत बहुत प्यारा लगता है. इसका फिटिंग वगैरह भी अच्छी आती है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पिंक कलर में है. तो ये है हमारा लास्ट कुर्ता जो कि डेफिनेटली नीचे तक तो नहीं है, फुल लेंथ नहीं आएगा, ये एंकल से लगभग इतना ऊपर आता है. आप इसे नीचे किसी रेड स्कर्ट के साथ पहनोगे तो ये बहुत बढ़िया गाउन वाली फीलिंग दे देगा, बट अभी मैंने सिंपल पैंट के साथ इसको पहन लिया क्योंकि काफ़ी ठंडी हो रही है. मैं इसकी फिटिंग की बात करूँ, इट हैज सच अ ब्यूटीफुल फिटिंग. नेक हो चाहे साइड्स हो एकदम बहुत बढ़िया फिट आया है. स्लीव्स भी इसकी बहुत सुंदर लग रही है चूड़ीदार एंड आई मीन द कलर इज ऑल्सो वेरी प्रिटी. इसको मैं कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि रेड एंड गोल्ड हमेशा अच्छे लगते हैं. तो आई एम गोइंग टू स्टाइल दैट ओनली. मैं यहाँ पर एक बनारसी रेड दुपट्टा ले रही हूँ. तो ये वाला मेरा दुपट्टा है जो कि मैंने बहुत समय पहले खरीदा था एंड ये इसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. एकदम से वेडिंग वाली फीलिंग आ गई ना. बस आप नीचे से कोई रेड स्कर्ट या हैवी गोल्डन स्कर्ट पहन लेना तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगेगा किसी भी वेडिंग के लिए. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल, कोई बहुत हैवी नेकलेस भी पहन सकते हो इस पर और यू कैन जस्ट गो विद समथिंग लाइक दिस. जैसे कि मैं यहाँ पर ही अपने एंगेजमेंट वाले गोल्डन इयर रिंग्स पहन रही हूँ. मैं आपको नेकलेस भी पहन के दिखाती हूँ क्योंकि फ्रॉम दैट यू गेट द आइडिया कि आप इस आउटफिट को किस लेवल तक ले जा सकते हो. बट फॉर अ क्लासी सिंपल लुक आप इस तरीके के बड़े गोल्डन झुमके पहनिए विद अ बनारसी दुपट्टा. इट विल लुक वेरी वेरी प्रिटी. That's how your outfit will turn out. It looks very designer and ऐसा लग रहा है बिल्कुल सब्यसाची के स्टोर से बाहर आ गए हैं. So I'm really really liking it. तो इस तरीके से आप इस कुर्ते को यूज़ करके बहुत ही सुंदर सा आउटफिट क्रिएट कर सकते हो. लेट्स ट्राई अ नेकलेस ऑल्सो. तो इस तरीके से यू कैन ऐड अ हैवी नेकलेस. आप यहाँ पे इयररिंग स्टिच कर सकते हो कम्प्लीटली या फिर छोटे छोटे स्टड्स पहन सकते हो जस्ट टू गिव इट दैट एक्स्ट्रा वेडिंग वाला पूरा वाइब अगर आपको चाहिए. बट ये ऐसे भी बहुत सुंदर लगता है. तो इस तरीके से आप इसको स्टाइल कर सकते हैं. डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू लुक वेरी प्रिटी. बट मेरा फेवरेट इयररिंग्स वाला ही है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप कि आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो. आज की वीडियो में काफ़ी मेहनत लगी क्योंकि हमने डिफरेंट डिफरेंट लुक्स क्रिएट किए हैं एंड जितनी कुर्तीज मैंने शेयर बाय सस्फरा से दिखाई दे ऑल आर माई फेवरेट एंड स्पेशली दिस रेड वन हैज़ माई हार्ट. तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं वाली एंड दे आर अफोर्डेबल टू. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वन.